दोस्तों पिछले 2 वर्ष में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया 2 ICC टूर्नामेंट में हार चुकी है। टीम इंडिया को पहले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल मुकाबले में रोहित की कप्तानी में ही हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद रोहित की कप्तानी पर लगातार प्रश्न खड़े हुए। इसके बाद कहावर भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने रोहित की कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया। हरभजन सिंह का मानना है कि रोहित शर्मा आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट प्रणाली से पूरे समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि लोग उनकी कप्तानी की आलोचना आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय कप्तान को फैंस और पूर्व क्रिकेटरों से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें महान सुनील गावस्कर भी शामिल हैं। गावस्कर का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल में उनका नेतृत्व अच्छा नहीं था। हरभजन ने रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस के लिए खेला और उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ही मुंबई टीम के ड्रेसिंग रूम में भी इस खिलाड़ी को करीब से देखा है। उन्होंने बोला कि रोहित को वहां अपने साथी खिलाड़ियों से काफी सम्मान मिलता था। हरभजन ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध हिंदुस्तान के अगले टेस्ट मैच से पहले PTI से बोला कि मुझे लगता है कि लोग कुछ अधिक ही आगे बढ़ रहे हैं। रोहित की आलोचना के मुद्दे में रहे, मैच एक क्रिकेट खेल है और एक आदमी आपको एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं ले जा सकता। हरभजन ने बोला कि भारतीय टीम ने WTC फाइनल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, आप उस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। इसके लिए केवल रोहित की आलोचना करना अनुचित है कि वह बढ़िया रन नहीं बना रहे हैं, वह अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वह एक बहुत बढ़िया कप्तान है। हरभजन ने बोला कि रोहित को अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करने के लिए समय दिया जाना चाहिए और उन्हें समर्थन मिलना चाहिए। पूर्व ऑफ स्पिनर ने बोला कि मैंने उसके साथ खेला है और उसको करीब से देखा है। उसे न सिर्फ मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में बल्कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी बहुत सम्मान मिलता है, इसलिए मुझे लगता है कि हाल में परिणामों के आधार पर उसका आकलन करना अनुचित है।